नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज जवाब तो देना पड़ेगा में बात होगी कोरोना वायरस की। ये नाम पूरी दुनिया में अब दहशत बन चुका है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वुहान से चले इस वायरस ने दिल्ली, आगरा और जयपुर के टूरिज्म ट्रायंगल पर भी ट्रिपल अटैक कर दिया है और इससे ट्रैवल ट्रेड भी कोरोना की चपेट में आ गया है। सतर्कता बरतते हुए पर्यटन विभाग ने धुलंडी फेस्ट को यहां पर रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ITB बर्लिन विल्डरनेस कांग्रेस के आयोजन को भी रद्द कर दिया गया है और शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स की बुकिंग भी रद्द होने की जानकारी मिल रही है, जिससे पर्यटन उद्योग को 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए विशेष अलर्ट देखने को मिल रहा है। हर फ्लाइट्स के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, ट्रिपल लेयर चेकिंग यहां पर हो रही है और कई देशों के पर्यटकों के आने पर रोक भी लगा दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रैवल एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या हमने अलर्ट होने में देरी कर दी? आखिर इस मेडिकल इमरजेंसी से कैसे निपटेंगे जिम्मेदार? जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान के बैकबोन है पर्यटन और पर्यटन विभाग अब एक बार फिर से खतरे में है। पिछली बार आपने देखा था कि कैसे जीका की वजह से काफी नुकसान हुआ था और इस बार लगा था कि उम्मीदें बहुत सारी हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि इस मंथ में जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जो कार्यक्रम है, उनसे बहुत अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू आएगा, बहुत अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है, ब्रेक लग रहा है कोरोना की वजह से। अब एक बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आ रही। पर्यटन विभाग ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है जिसमें जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। कोरोना वायरस प्रभावित संदीप रोगी के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। इटली निवासी आंद्रे कार्ली 23 यात्रियों के समूह में शामिल था और झुंझुनू के होटल कैसल मंदावा, बीकानेर होटल गज केसरी, जैसलमेर होटल रंग महल, जोधपुर के होटल पार्क और उदयपुर के होटल ट्राइडेंट, जयपुर में होटल रमांडा में ठहरा था ये संदिग्ध रोगी और पर्यटकों का ये दल। संबंधित होटल्स को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना वायरस सर्विलांस गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने को पत्र में लिखा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जहां पर ये दल गया था वहां वहां पर उन उन जिलों के कलेक्टर्स को लेटर लिखा गया और एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर ये जिले हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि उद्योग जगत वो क्या करे, पर्यटन विभाग वो क्या करे, क्योंकि एक के बाद एक अटैक होता ही जा रहा है। कभी जीका का वायरस यहाँ पर डर आता है, सताता है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पर कोरोना की। सवाल ये भी है कि इटली को लेकर जो पहले एडवाइजरी जारी की गई थी उसको क्या पूरी तरीके से यहाँ पर लागू नहीं किया गया, उसकी अनदेखी की गई? कैसे यहाँ पर इटली के नागरिक आते हैं, जबकि 26 फरवरी जब इनकी एंट्री यहाँ पर होती तभी वहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है और कंटिन्यू वो चर्चाओं में बना रहता है कि इटली में भी कोरोना का अटैक कैसा है, उसके बावजूद इतनी बेपरवाह कैसे बनी रहते? अब जब क्योंकि लापरवाही हो ही गई है, इस वायरस की एंट्री हो ही गई है, तो हम कितने तैयार हैं और पर्यटन विभाग कितनी मार अभी और खाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर जी जो कि हेड मेडिकल विभाग हैं, धीरेंद्र सिंह राघव जी जो कि 40 यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, हुसैन खान जी जो कि होटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जयपुर माफ कीजिएगा इसके उपाध्यक्ष हैं, और महेश कुमार शर्मा इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड हैं, और हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी भी हमारे साथ हैं। निर्मल, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा कि जब जब यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पंख मिलेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अटैक आ जाता है, ऐसी ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं कि ये सेक्टर उतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता। जीका के बाद अब इसको आप कैसे देखेंगे, लापरवाही की मार कहें इसको ज्यादा? बिल्कुल सुषमा, देखिए सीधे तौर पर कहें तो मार्च को मैग्निफिसेंट मार्च बोला जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पर्यटन सत्र जो राजस्थान की बात करें तो समापन की ओर होता है, अप्रैल में समाप्त होता है, सितंबर से शुरू होता है, अप्रैल में समाप्त हो जाता है। पहले हमें स्वाइन फ्लू झकझोर जाता है, उससे पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन, उसके बाद जीका आता है, नोटबंदी, आर्थिक मंदी यूरोप की, और अब कोरोना।
लगातार जिस तरह से थपेड़े पड़ रहे हैं ट्रेवल ट्रेड को, पर्यटन व्यवसाय को, तो निश्चित तौर पर पर्यटन व्यवसाय के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसे जैसे हम उठ खड़ा होना चाहते हैं वैसे वैसे सारी तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सीधे तौर पर बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईटीबी बर्लिन ही स्थगित हुआ हो, सबसे बड़ा इवेंट हमारे लिए था विल्डरली कांग्रेस, 19 मार्च से शुरू होता, 13 मार्च 14 मार्च से हमने पूरे राजस्थान की जितनी भी बड़ी होटलें थी, बड़े बड़े जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे सबको बुक करा लिया था, इवन रणथंबोर, सरिस्का, झालाना जो लेपर्ड प्रोजेक्ट है सब बुक थे, एकदम से उसको कैंसिल करना पड़ा। 4-5 हजार करोड़ रुपए ट्रेवल ट्रेड उससे देख रहा था आएंगे, क्योंकि हमारी एसजीडीपी का सीधे तौर पर बात करें सुषमा तो 20% सिर्फ पर्यटन से आता है, तो ये सब झकझोरने वाला था। और अब इसकी अगली कड़ी देखिए, पूरी दुनिया भर में रंगों का त्यौहार होली, खासकर खासाकुटी की जो एक होली होती है उसको कहते हैं कि बड़ी अद्भुत तरीके से 40-50 देशों के करीब 3000 गेस्ट उसमें आते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग, कोई जुबान नहीं समझता होली की कोई, लेकिन रंगों की जुबान समझते हैं, प्यार की जुबान समझते हैं, उसका स्थगित हो जाना। अब खतरे की घंटी दूसरी, उसके साथ साथ ब्रज होली फेस्ट में, जो ब्रज के अंदर होली फेस्ट होता है जो शुरू हो चुका है उसमें अब टूरिस्ट नहीं पहुंच पाएगा, उसके साथ साथ मेवाड़ उत्सव होना था, सबसे बड़ी बात राजस्थान दिवस 27 मार्च से जो राजस्थान जो हम हमारा स्थापना दिवस मनाते हैं वो नहीं मना पाएंगे, तो ट्रेवल ट्रेड के लिए जो एक बहुत बड़ा बूस्टअप आना था, हम सोचते हैं कि जब एंड होगा इसका पर्यटन व्यवसाय का मतलब पर्यटन सत्र का सीधे तौर पर, तो 20-1 हजार करोड़ रुपए की उम्मीद करते हैं कि गोल्डन ट्राइंगल से लेकर डेजर्ट सर्किट से लेकर तमाम जो हमारे हमारे पास जितनी भी एक पर्यटन उत्पाद है वो सब इसको एक्सप्लोर करके हम उस पैसा कमाना चाहते हैं। महेश कुमार जी यहाँ पर आपने देखा कि कितना बड़ा खतरा है ये, लेकिन टूरिस्ट में जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं उनको लेकर हम कहीं कोताही कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, ये भी आप मानेंगे कि जो बाहर से आते हैं अगर आप पहले एक फिल्टर ढंग से कर ले तो शायद इतनी दिक्कत नहीं हो? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूं, हम बस पैसा देखना चाहते हैं, हम उनकी आवक को देखना चाहते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और शायद उसमें एक छोटे लाभ के चक्कर में एक बड़ा नुकसान। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि हम शायद छोटे लाभ के लिए, जो हम लोग सब जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपदा है ये वर्ल्ड वाइड है, ओके, और अगर हम लोग पहले से इसके लिए सजग रहते तो शायद आज हमें इस मुकाम पे नहीं जाना पड़ता जहां आज वो हमारे राजस्थान में एंटर होते हैं, वन बाय वन पूरा अपना कवर करते हुए जाते हैं, और लास्ट में जब वो यहाँ से रवाना होने वाले होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो है हम लोग इससे मतलब प्रॉब्लम में आ चुके हैं राइट। हुसैन खान जी, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो होटल्स की होती है, क्या होटल्स भी अपनी तरफ से कोई अलर्टनेस, कुछ सतर्कता नहीं बरतते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ पर भी मेडिकल टीम होनी चाहिए कि अगर ऐसी किसी कंट्री से या किसी ऐसे जगह से ये टूरिस्ट आ रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी शायद बनती है। विश्व मंदी के साथ साथ भारत के अंदर जो मंदी थी उससे पर्यटक उद्योग बड़े जोरदार तरीके से जूझ रहा था, और उसके बाद आज ये कोरोना वायरस जो जयपुर में एंट्री हुई है उसके कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और इसके कारण लाखों की तादाद में जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो अपनी बुकिंग कैंसिल कराने लगे हैं और हमारे को फोन करने लगे हैं आज से ही कि भाई क्या पोजीशन है, जयपुर में कोरोना आ गया है और क्या बात है, हमारी बुकिंग है, हम क्या आए या नहीं आए। इससे हमारे उद्योग को बड़ा झटका लगा है और लॉस होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में 4 करोड़ लोग करीब पर्यटक से रोजगार प्राप्त हुआ, और राजस्थान में करीब करीब 30 लाख लोग, और डायरेक्ट पर्यटक जो इकाइयां हैं उससे 30 लाख लोगों को करीब रोजगार मिला हुआ है, और वो 30 लाख लोग डायरेक्ट इफेक्टिव हो गए, चाहे होटल हो, चाहे पर्यटक विभाग हो, चाहे हमारे जो ट्रेडिशनल जो शॉप्स है जहां पर वो शॉपिंग करते हैं। जब एडवाइजरी आती है तो क्या वाकई में होटल वाले, होटल संचालक क्या उसको वाकई में फॉलो करते हैं? आप लोग उसको संजीदगी से लेते हैं? ये सवाल भी है, क्योंकि नुकसान हो रहा तो सब आए तौबा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान ना हो उसके लिए सब मिलकर के उसको फॉलो करें, जो बात कही जा रही है उसके बारे में सोचे या खुद से इनिशिएट करें, वो तो शायद होता नहीं। हम सभी से एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं हमारे सभी होटलियर को कि कोई पैनिक नहीं करें, आप लिफ्ट में नहीं चलें क्योंकि लिफ्ट में आपकी दूरी 1 मीटर से कम नहीं हो सकती। मैं कुछ और बात कर रही थी। निर्मल, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं हुसैन साहब को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या होता है जैसे ही राजस्थान में कोई टूरिस्ट आता है, खासकर जयपुर या जोधपुर या बड़े ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर, तो सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है ट्रेवल ट्रेड से जुड़ा हुआ, चाहे वो होटलियर हो या बैठे हैं सामने, कहना चाहूंगा चाहे उससे जुड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला हो, बड़ी होटल वाला हो, लोक कलाकारों, तमाम सबको चाहते हैं कि हम इसको कैश करें। बिल्कुल, आज तक सुषमा बहुत विडंबना की बात है कि किसी भी मॉन्यूमेंट पर अभी तक, कोरोना आने के बाद, उससे पहले जी का भी आया, आज तक किसी होटल के अंदर कोई स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट आता है अपना, उसने दिखाया एक वैलिड अपना पासपोर्ट या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको हम एंट्री दे देते हैं। बिल्कुल गलत है,
क्योंकि अगर हम फॉरेन ट्रेवल ट्रेड से अगर अपने इसकी तुलना करें तो वहाँ एक जब हम टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं फॉरेन में किसी भी देश के अंदर, खासकर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी उसको पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल, वही सवाल मेरा यहाँ पर था। स्क्रीनिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है, इसकी व्यवस्था सरकारी स्तर पर ही हो सकती है। अगर आप ये कहें कि बजट क्लास होटलें हैं, 80% होटलें बजट क्लास होती है, जहां पर बजट क्लास लोग आकर के रुकते हैं, वहां पर स्क्रीनिंग एक मेडिकल टीम आप बिठाएं प्रत्येक होटल में, और प्रत्येक यात्री जो आते हैं, नहीं सबके लिए नहीं संभव है, लेकिन यहां पर कम से कम उन लोगों के लिए संभव है जो बाहर जा रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। काम सरकारी स्तर पर होता है। होटल एसोसिएशन, चाहे रेलवे स्टेशन है, जिस होटल एसोसिएशन से आप हैं, जिस होटल एसोसिएशन से आप संबद्ध हैं, क्या उसकी किसी भी होटल के अंदर कोई बात करेंगे? इस पर बात करेंगे जो और दो मेहमान हैं उनका भी पहला कमेंट लेते हैं। धीरेन्द्र सिंह राघव जी, ठीक है सर, इस पर आऊंगी, खान साहब आऊंगी। धीरेन्द्र सिंह राघव जी, सुषमा, मैं हुसैन साहब की बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। अच्छा, टूरिस्ट का आना और नहीं आना ये सरकार डिसाइड करेगी। सारे व्यापारी एक जैसा सोच रखेंगे, सिर्फ सरकार को कट करेंगे, होटल एसोसिएशन वाले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टूरिस्ट आएगा। सरकार को ये कदम पहले उठाने चाहिए थे, और सरकार जो ये कोरोना प्रभावित कंट्रियां हैं, जो देश हैं, उनका उन पे बैन करनी चाहिए थी, जैसे यूएस ने बैन किया है, उससे हमारा बाकी ट्रेवल और टूरिस्ट गाइड हमारा जो वर्ल्ड वाइड है वो इंडिया में आ पाता। अच्छा। अब एक ऐसा दहशत का माहौल बन गया है, इससे अदर कंट्री के लोग भी हमारे इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दहशत का माहौल ना बने इसके लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई फायदा हो रहा तो उसमें शेयरिंग सबकी होगी, लेकिन शेयरिंग होती है, लेकिन उसमें सबका सहयोग नहीं होगा। टूरिस्ट आना और नहीं आना ये सरकार डिसाइड करेगी। डॉक्टर श्याम सुंदर, ये पूरी बहस आप सुन रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इन लोगों का कहना है। देखिए, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है, सरकार की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। अगर देखिए, अगर जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, अगर होटल में ऐसा कोई सस्पेक्टेड पर्सन आता है जिसको ऐसे कोई सिम्टम है या कहीं वहीं की ट्रेवल की हिस्ट्री है, तो ये डायरेक्टली आप इन्फॉर्म कर सकते हैं हेल्थ जो अपना प्रोफेशनल है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस तरह का एक सस्पेक्ट है हमें, तो हम उसको फिर सरकार उसको स्क्रीन कर सकते हैं। बाकी लोगों की चिंता ना करिए, तो कम से कम अपने स्टाफ मेंबर्स अपनी चिंता ही कर लीजिए, थोड़ा तो अलर्ट हो जाइए। ठीक है सर, आपको रुकना पड़ेगा। आऊंगी सर, आऊंगी। कोरोना से बड़ी बहस यहाँ पर और कोई हो ही नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है कि प्रदेश का पर्यटन जब इसकी जद में आया है, फेस्टिव सीजन में जहाँ बहुत ज्यादा सैलानियों की उम्मीद की जा रही, जैसा कि अभी निर्मल ने भी बताया, तो वहीं पूर्वी एशियाई देशों के बाद अब यूएस और फ्रांस जैसे देशों द्वारा अपने पर्यटकों को एडवाइजरी जारी करने से जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने लगी। इस पर एक रिपोर्ट दिखा देते, उसके बाद बात करते हैं। कोरोना की चपेट में ट्रैवल ट्रेड, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स को भारी नुकसान। पूर्वी एशियाई देशों ने जारी की एडवाइजरी, अपने नागरिकों से की राजस्थान न जाने की अपील। विदेशी पर्यटकों ने कैंसिल की बुकिंग, बर्लिन आईटीबी, बिल्डरली कांग्रेस जैसे कई कार्यक्रम रद्द। पर्यटन उद्योग की टूटी कमर, फेस्टिव सीजन को कैश कराने के लिए पर्यटन उद्योग ने पिछले 3 महीने से तैयारी की थी। ट्रैवल ट्रेड ने पर्यटन सत्र के समापन के लिए जयपुर के विश्व प्रसिद्ध धूलंडी उत्सव, गणगौर और बिल्डरली कांग्रेस के अलावा आईपीएल मैचों के लिए एडवांस बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। मार्च को राजस्थान पर्यटन के लिहाज से गोल्डन पीरियड माना जाता है, लेकिन पहले बर्लिन आईटीबी, फिर बिल्डरली कांग्रेस और अब धूलंडी उत्सव को रद्द करने से पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई है। ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स ने एडवांस बुकिंग के तौर पर करोड़ों रुपए एडवांस भी ले लिए और इवेंट्स की श्रृंखला भी तैयार कर ली, लेकिन ये सब अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, यूएस, फ्रांस, जर्मनी समेत पूर्वी एशियाई देशों ने जयपुर में कोरोना वायरस के रोगी मिलने के बाद एडवाइजरी जारी कर अपने देश के नागरिकों को राजस्थान जाने से मना किया है। यही नहीं, यहाँ पहले से मौजूद पर्यटकों को भी वापस लौटने की सलाह दी है। इसके बाद से ही पिछले 3-4 दिन में सैकड़ों विदेशी सैलानियों ने अपनी बुकिंग रद्द करवा दी। समाचार पत्र में जो न्यूज़ 2-3 दिन से चल रही थी, वो आज डिटेल न्यूज़ आई है और उसमें कुछ मरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी हमारी ऑक्यूपेंसी जो थी वही चल रही है जो उस तरह इस समय में रहती है। अभी ऐसा कोई प्रभाव सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की एडवाइजरी अपने मैनेजर्स को जारी कर रहे हैं कि इस तरह की कोई संदिग्ध स्थिति हो तो आप ध्यान रखें, और बाकी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको हम भी फॉलो करेंगे। की स्थिति में हर वर्ष की भांति पर्यटक विभाग धुलंडी का विदेशी पर्यटकों के लिए कासागोटी परिसर में बहुत ही धूमधाम से धुलंडी उत्सव मनाते हैं, और जयपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण धुलंडी उत्सव है, और इसके लिए अभी तक हमने पर्यटक सहायता बल के जवान और पुलिस विभाग सबको तैयारियों के संबंध में पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ हैं उस पर
हमारा पर्यटक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जैसा भी निर्णय लेगा, अभी 10 मार्च है तो उसके बाद आगामी प्रोग्राम के बारे में क्या होना है ये उसी से तय होगा। जिस मार्च को पर्यटन उद्योग के लिए मैग्निफिसेंट माना जाता है, उसी मार्च में कोरोना के भय से प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री धड़ाम से नीचे गिरी है। आपको बता दें कि ट्रैवल ट्रेड ने जो सीजन को बनाने के सपने देखे थे वो सब धराशायी हो गए हैं। यही नहीं, बुकिंग कैंसिल होने से ट्रैवल ट्रेड के 20,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। ट्रैवल ट्रेड से जुड़े तमाम अन्य बिजनेस जिनमें होटल, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट, पैलेस ऑन व्हील्स, कैटरिंग, गाइड और हाथी तथा घोड़ों के इवेंट कराने वाले व्यवसायी भी सकते में हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और प्रमुख सचिव श्रेया गुहा से ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में श्रेया गुहा ने सभी से माउथ मीडिया के जरिए कोरोना वायरस के कुप्रचार से बचने की सलाह दी, साथ ही सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी। जो 10,000 के समथिंग जो पर्यटक आता था जयपुर के अंदर, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है। इससे हमारे आने वाले समय के ऊपर जो तीज या गणगौर इन फेस्टिवल्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम सभी ट्रेवल एजेंट पहले से इसकी प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कम से कम 10,000 लोग इस फेस्टिवल में आते, होली फेस्टिवल में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना के कहर से पर्यटन उद्योग चरमरा गया है और झटका इतना तगड़ा लगा है कि एक दो महीने हालात ऐसे ही रहे तो पर्यटन उद्योग 5 साल पीछे चला जाएगा, जिससे उबरना इस इंडस्ट्री के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन सब समस्याओं पर पर्यटन विभाग का क्या रुख रहता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं, निर्मल यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते थे, जो बात आई थी कि शायद हर एक प्लेयर पर एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एडवाइजरी को पूरी तरीके से लागू करवाने की। 26 फरवरी को जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें इटली का जिक्र बहुत हल्के में किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि अगर 10 फरवरी के बाद कभी कोई इटली आता जाता है तो उसको एटलीस्ट आइसोलेशन में 14 डेज के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 26 फरवरी तक 12 लोगों की जान चली जाती है, आंकड़े बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जब इटली का दल यहाँ आता है तो भी उस एडवाइजरी को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है, उनको आइसोलेशन में रखने की बात क्यों नहीं कही जाती, कैसी स्क्रीनिंग होती है कि वो उसमें परफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक पाए जाते हैं और उनको आगे रवाना कर दिया जाता है। मुद्दा यही है सुषमा, देखिए ये जो आए आंद्रे कार्लिन जो और उनके साथ जो पूरा दल था जो इससे कोरोना से इफेक्टिव है, ये लोग 6 जिलों में घूम लेते हैं, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, तमाम जिलों से होकर के गुजरते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक हमारे पास नहीं है, जबकि हम पायोनियर बनने की कोशिश करते हैं, हम तो पर्यटन के पायोनियर हैं। हुसैन साहब या राघव साहब ने जो बात की उत्तफाक रखते हैं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन अभी भी सरकारी स्तर पर या किसी भी ट्रेवल ट्रेड से जुड़ी किसी भी एसोसिएशन के स्तर पर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। क्योंकि आपके होटल में आता है, आपने टूरिस्ट को रोक लिया, आपने तुरंत सूचना देने का कि पर्यटन विभाग को या सरकार को तुरंत या जिला कलेक्टर को तुरंत सूचना देने का हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है कि ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था हो कि इधर तो वो हमारी होटल में चेक इन किया और उधर वो वहां जाके क्लिक हो जाता है कि हाँ कलेक्टर साहब या पर्यटन विभाग के संबंधित अधिकारी या CMHO कि हाँ हमारे पास ये टूरिस्ट आया। ये नहीं है कि आप स्क्रीनिंग करें, एक मुद्दे पे बात नहीं है, किसी बीमारी की बात नहीं है। आप नॉर्मल डेज में भी देखें, क्राइम को लेकर भी अगर ऐसा सिस्टम बनाओ कि कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आ रहा है तो एटलीस्ट एक कनेक्शन बना रहे, फॉरेन इत्तला किया जाए। बिल्कुल सुषमा, लेकिन देखिए इसका दूसरा एक उजला पक्ष मैं आपको बता दूं, अच्छी बात यह है कि ये जो कोरोना जिस समय पर आया ना, ये खतरे की घंटी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो उसके बारे में जितनी जानकारी मिली है, तो गर्मी में इसका प्रसार नहीं होता है, तो अब राजस्थान में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। दूसरी बात, हम पर्यटन सत्र की समाप्ति की ओर है, तो अगले 6 महीने अगर हमारे पास एक ठंड की व्यवस्था रहती है पूरे ट्रेवल ट्रेड में भी, मतलब उतनी गर्मी, उतना माहौल नहीं रहता, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये दौर जो होता है इसमें हम हमारी होटल्स का, इसमें हम हमारी यूनिट्स का, इसमें स्मारकों का, इनका तमाम काम जीर्णोद्धार कराते हैं, उस पर रिनोवेशन करते हैं। ये जरूर है कि मार्च में जो एक मोटा जो पैसा आना होता है, वित्त वर्ष के समाप्ति का महीना है, वो हमारे पास वो जरूर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इतनी घबराने की जरूरत नहीं कि ट्रेवल ट्रेड इससे बिल्कुल चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब इससे अब भी सबक नहीं लिया हमने, जीका से नहीं लिया, अब कोरोना से भी नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले जो और इस तरह की हारी बीमारी या महामारी है उनसे हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरी तो गुजारिश है हुसैन साहब से भी और तमाम राघव साहब और तमाम हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनसे कि आप भी सरकार से इस बात को पहुंचाएं, हम भी पहुंचाएंगे, क्योंकि सामाजिक सरोकार की बात है, हमारा तो पूरा प्रदेश इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, क्योंकि खान और पर्यटन दो ही चीजें, GDP का 40% हिस्सा, 20% उसका, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई करें प्रयास ताकि सब मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए। वही बहुत अहम बात कही है यहाँ पर, ये कहा कि अगर हम अभी भी नहीं जागे एटलीस्ट अभी नुकसान कम होगा, हालांकि आज मौसम जैसा मिजाज है उससे लग रहा है कि फिलहाल तो तेजी से फैलेगा, मतलब उसको दूसरी तरीके से देखिए तो दूसरी तरीके से तो नुकसान होगा ही, आर्थिक तौर पर भी और आपको व्यक्तिगत तौर पर भी नुकसान हो सकता है। हम एक
एक मीडिया की जो एक भूमिका होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम मीडिया से निवेदन करेंगे कि आपकी जो एडवाइजरी है वो इस तरीके की हो कि लोगों में दहशत नहीं फैले। एक मिनट, पहली बात तो मीडिया एडवाइजरी नहीं जारी करता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो सरकार की एडवाइजरी होती है, हम सिर्फ उसको बताते हैं। और दूसरा देखिए, हमारा दहशत फैलाना कतई मकसद नहीं है, क्योंकि आप भले खान साहब मीडिया पर सवाल उठा, सुन लीजिए, आप भले ही ना अवेयर हो कि वहां के लोगों को बताएं क्या सही क्या गलत, हम एटलीस्ट वहां पर लक्षण भी बताते हैं, हम बचाव की बात भी करते हैं, तो हम पैनिक कहां से क्रिएट कर रहे हैं? आप तो कोई आप जो कर रहे हैं तारीफ है, आपकी तारीफ करते हैं, पूरा मीडिया यही कर रहा है, हम लोगों ने इसलिए बुलाया है, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हम जो है, हम हमारे सभी होटलियर्स हैं, ऑलरेडी एडवाइजरी हमने उनको एक जारी की है कि कोई भी अगर जब तक नेसेसरी नहीं हो वो लिफ्ट में नहीं जाएं, चार पांच लोग वो सीढ़ियों से जाएंगे, सीढ़ियों जो खुला स्थान मिलता है और आप एक मीटर की दूरी भी उसमें रख सकते हैं। आप अगर कोई पर्यटक किसी कमरे में रुकता है तो वहां पर बेड शीट को इमीडिएट चेंज करें। ऐसा नहीं है कि आपके पर्यटक घंटा भर रुका, दो घंटा रुका, तो आपने सोचा है ये खराब नहीं हुई तो उसी को अपन उपयोग करें। वहां बेड शीट इमीडिएट चेंज होनी चाहिए। अगर कोई बर्तन है, कोई खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में या होटल में, उनको अगर आप कहीं रखें, ये सब सीएमएचओ की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो गई है, हम एसोसिएशन की तरफ से ये सारी एडवाइजरी हम हमारे सदस्यों को इश्यू कर रहे हैं। और एक और हम एक बार मेरी बात पूरी हो जाए, और हम सभी से ये निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी पर्यटक आपको जुखाम खांसी या ऐसे लक्षण दिखाई दे, इमीडिएट आपको 108 नंबर की जो है वैन उसको बुला करके उनको हॉस्पिटल भेजना है। अब सिर्फ पर्यटकों की नहीं, आपके स्टाफ मेंबर्स को भी लेके बहुत अलर्ट होना होगा कि आप जैसे ये 6 जिले, कितने जिलों में ये लोग घूम चुके हैं, एक नॉर्मल इंसान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, है ना, तो आपके स्टाफ मेंबर्स को भी क्या अवेयर कर रहे हैं कि वो कितनी बार हाथ धो रहे हैं? एकदम कर रहे हैं हम उनको ये कह रहे हैं कि आपको 15-20 बार भी अगर हाथ धोना पड़े प्रत्येक रूम बनाने के बाद में, प्रत्येक हमारे जो कस्टमर आते हैं उनका कोई भी काम करने के बाद में, आप अपने हाथ को साबुन से धोएंगे और उनसे जब बात करते हैं तो आप कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके कमरे में गए, कमरे में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी सामान है आप कमरे के बाहर। देखो सुषमा, इसमें क्या है, सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, जैसे सरकार समय समय पर जीएसटी की गाइडलाइन जारी करती है, एडवाइजरी जारी की है और व्यापारिक संगठनों से एक बातचीत करनी चाहिए थी, तो ऐसा कोई सरकार की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई। अच्छा। व्यापारिक संगठन ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है और व्यापारिक संगठन तो पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी तरीके से जो कारोबारी है, जी निर्मल बताइए। देखिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करें, राघव साहब से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक भी होटल एसोसिएशन में आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है किसी ने भी अपने दायित्व को नहीं निभाया, सरकार ने नहीं निभाया, आपने भी नहीं निभाया, मैंने भी नहीं निभाया। कितनी होटल वाले संचालक आज तक सरकार के पास पहुंचे, जिला कलेक्टर के पास, कि हाँ हमें क्या इंतजाम करने चाहिए, किसी ने नहीं पूछा। आप कहते हैं मीडिया की, अभी मीडिया को आप सलाह दे रहे थे हुसैन साहब, आप कितने मीडिया हाउसेस में अब तक गए कि हमने ये प्रबंध कर दिया हमारी तरफ? ऐसी होटल 7,000 से ज्यादा छोटी बड़ी होटल है राजधानी की, अगर बात करें पूरे प्रदेश की, तो बात छोड़ो, सैनिटाइजर तक नहीं मिलेगा किसी रूम के अंदर, बिल्कुल, किस तरह की बात ये। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप से निकल करके हमको हमारे सामाजिक सरोकार, हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि आज का काम नहीं है कि मार्च में मैंने कैश कर लिया, टूरिस्ट आया, उसको जिंदगी इसी में गुजारनी है। लाखों लोग राजस्थान के, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के से जुड़े हुए हैं, छोटा छोटा केरल जैसा प्रदेश जहां हमसे पहले कोरोना वायरस की वहां पर उसमें वहां संदिग्ध मिले, लेकिन वहां एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा एक विकसित ढांचा है, क्यों ना करें हम? आज मत करो, 15 दिन बाद बैठ लेंगे, 1 महीने बाद बैठ लेंगे, हाँ आओ बैठो, हमें साझा विचार करके कि किस तरह की जिम्मेदारी आगे निभानी है, किस तरह के प्रबंध करने हैं। तो मैं समझता हूँ राघव साहब भी इत्तेफाक रखेंगे, हुसैन साहब भी, ठीक है। सर एक बार एक फीवर जुड़ गया है, पहले उनका रुख करना पड़ेगा, बीकानेर से विजय जुड़ गए, विजय कहिए क्या कहेंगे। हेलो, हाँ जी विजय जी, मैम मैं इसमें भी कहना चाहूंगा कि ये जो है समय से अगर जागरूक होकर इसकी मेडिसिन लेनी चाहे तो ये काबू में आ सकता है। जी सर, अगर समय से जागरूक होकर इसको इसकी जो मेडिसिन है वो ले ली जाए तो ये काबू में हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, हम जागरूकता की बात भी कर ही रहे हैं इसीलिए, क्योंकि सबसे अहम बात यह कि किसी बीमारी का इलाज उसके लिए सावधानी ही होती है कि फर्स्ट स्टेप पे आप उसको रोक दीजिए। इस पर डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे, और क्योंकि टूरिस्ट के जहन में भी एक खौफ हो जाता है, एक पैनिक, जैसे एक टूरिस्ट या दूसरे टूरिस्ट में कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो बाकी टूरिस्ट भी काफ़ी पैनिक सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि दूसरे देश में भी होते हैं। तो उस लिहाज से भी महेश जी आपसे भी बात करूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तो इसलिए चर्चा को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।
किसी संकट के सामने के लिए सामना करने के लिए सभी नेता भी एक साथ हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या पहले नहीं जागना चाहिए था, ये अलार्म क्या पहले नहीं बजना चाहिए था जब बाकी और कंट्रीज ने, जबकि ये जो हमसे छोटे कंट्रीज हैं, चाहे उसमें हम बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, मंगोलिया की बात करें या सीशेल्स की बात करें, उन्होंने पहले ज़्यादा एक बड़ा स्टेप ले लिया था, ऐसे कंट्रीज पर बैन लगा दिया था, कुछ दिन के लिए फ्रीज कर दिया वहाँ के टूरिस्ट को, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या उसी का खामियाजा है कि इतनी तेजी से अब ये वायरस फैल रहा है? इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान लगातार बने। डॉक्टर साहब, एक स्क्रीनिंग की बात सबसे अहम है कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरुआत में कहा गया, लेकिन कुछ ही जगह पर कुछ कुछ फ्लाइट्स को लेकर ही ये था, अब आपने सभी फ्लाइट्स को लेकर किया है, तो क्या इसको लेकर भी पहले कोई स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए था, या फिर उस स्क्रीनिंग को लेकर भी संशय है, सवाल है, क्योंकि जो इटली का नागरिक जो पॉजिटिव पाया गया है कोरोना को लेकर, वो पहले वहाँ नेगेटिव होता है, उसके बाद उसमें सिम्टम्स आते हैं, पॉजिटिव पाया जाता है? ठीक है, आपको इसका समझना पड़ेगा कि जब भी कोई पर्सन वायरस से संक्रमित होता है तो संक्रमित होने के 2 से लेकर 14 दिन में उसके सिम्टम साइकिल, हाँ, साइकिल होता है ना, कि जैसे वायरस से कोई पर्सन संक्रमित होगा तो उसमें सिम्टम आने, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो 2 से लेकर 14 दिन तक होता है। किसी पर्सन में तो 2 दिन में सिम्टम आ सकते हैं, वो उसकी बॉडी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, किसी को 14 डे लग सकते हैं। जब हमने स्क्रीन किया उस वक्त उसको कोई सिम्टम नहीं थे। अब यहाँ पे सवाल डॉक्टर साहब फिर आता है, फिर थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा आपको फिर अदर स्टेप लेना चाहिए कि जरूरी नहीं कि उस समय तुरंत पकड़ा जा सके उस वायरस को, तो आप कैसे यहाँ पर पुख्ता तौर पर आप अपने आप को यहाँ पर निश्चिंत कर लेते कि थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, यस ऑल इज वेल, आप इनको जाने दीजिए? इट मींस कि आगे भी मॉनिटरिंग फिर जारी रहनी चाहिए। हाँ मैम, अगर पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर में, जैसे कोई सस्पेक्टेड कंट्री से आ रहा है, जैसे कोई चाइना से आ रहा है, इटली से आ रहा है, हमें पता है कि वहाँ पर ये कोरोना का है प्रकोप है, तो ऐसे पर्सन को हम अर्ली आगे भी थोड़ा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस वक्त वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेट में हो और पेशेंट इन्फेक्टेड हो, आगे जाके उसमें सिम्टम आ जाते हैं, तो उस स्टेज में वो अदर पर्सन को भी ट्रांसमिट कर सकता है। इवन इसका जो ट्रांसमिशन होता है ना, जब हमको हमें सिम्टम नहीं होते हैं तब भी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ज़्यादा उस स्टेज में होता है जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, जब हमें फीवर कॉफ हो रहा है उस वक्त ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम एसिम्टोमेटिक हैं तब भी हम इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब ये बात है ना कि सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग तक ही हम सीमित है, कि कुछ कंट्रीज से जो आ रहे, कुछ फ्लाइट्स आ रही है, हम वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करके खुद को यहाँ पर निश्चिंत कर ले रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है। महेश जी, ये एक बड़ी बात है कि आगे हम फॉलो अप क्यों नहीं लेते कि अगर डॉक्टर्स इतना जानते हैं ये ऐसा है कि जरूरी है कि तुरंत इसको पकड़ा जा सके, तो एक फॉलोअप भी तो जरूरी है उन टूरिस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि फॉलोअप तो बनता ही है, और फॉलोअप के लिए देखिए, होटल में जब आया गेस्ट वहां से मोनूमेंट पे जाता है तो हमें पता है कि जो भी गेस्ट आ रहा है वो होटल में एंटर हो रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा था कि होटल में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, मगर हमें पता है कि जो मोनूमेंट्स है वहाँ जा रहे हैं, तो मैं शायद ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो पर्टिकुलर मोनूमेंट्स है जहाँ गेस्ट को जाना ही जाना है, वहाँ भी शायद ऐसी अगर टीम हो तो वो मॉनिटर कर सकती है। अच्छा। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हमको पता है सेलेक्टेड मोनूमेंट्स है, टूरिस्ट जब आएगा तो वहाँ जाना ही जाना है, एवरीबडी नोज के पॉसिबल है। देखिए सुषमा, एक बहुत सब उसको उसका उस बात का कोई इशारा नहीं दे रहा, उस तरफ एक बात समझने की है, कोई भी टूरिस्ट जो विदेश से आता है वो एकदम से भारत नहीं आता, नहीं आता, 3 से 4 महीने पहले की प्लानिंग होती है, वहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट से मिलता है, वो इंडियन जो उसका ट्रैवल जो ट्रैवल ऑपरेटर है या ट्रैवल एजेंट है उससे मिलता है, उसके बाद उसकी बुकिंग तय होती है, उसके बाद कौन गाइड अधिकृत होगा, महेश यहाँ बैठा, महेश ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, कौन गाइड अधिकृत होता है, होटल में उसकी बुकिंग, उसको गाड़ी दी जाती है किस तरह से, और उसकी एक आइटनरी फिक्स की जाती है कहाँ से कहाँ कहाँ जाएगा। तो बड़ा सवाल यही है केंद्र के स्तर पर, या ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, महेश से लेकर हुसैन साहब से लेकर तमाम राघव साहब और तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हर तरफ से थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने जीका से पहली ठोकर खाई, स्वाइन फ्लू से पहली ठोकर खाई, माफी चाहिए, जीका से दूसरी और अब कोरोना से तीसरी, आपत्ति आपदाएं आफत आती रहेंगी, लेकिन अब ये तीसरी सबक हमको मिला है, तो निश्चित तौर पर अब ध्यान ही रखना होगा, जब ये 4 महीने की पूरी चेन जब शुरू होती है हमको वहीं से सब तमाम चीजों का ध्यान रखना है। आपने आपने बताया कि ट्रेसिंग मुश्किल नहीं होती है, उस बंदे को ट्रेस करना, उसको मॉनिटर करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, किसी भी स्टेप पे आप कर सकते हैं, लेकिन हम शायद ध्यान ही नहीं देते, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, पैसा आ गया ना, टिकट बुक हो गई, चाहे वो होटल्स की बात हो, चाहे आपकी गाइड बुकिंग की बात हो, सब कुछ हो गया, तो ध्यान ही नहीं देना, ये एक सबसे बड़ी बात है। जोधपुर से हमारे साथ नासिर जुड़ गए, नासिर क्या कहेंगे आप? मैडम जी, नासिर नमस्कार। मैडम नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि कोरोना वायरस से चीन में भी जो उद्योग पर असर पड़ा है, तो उससे भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था मैडम, तो भारत में भी उद्योग कैसे रहेगा?
सर वही जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा लॉस नहीं है क्योंकि एक ही महीने का टूरिज्म, जैसा निर्मल बता रहे जो लंबे अरसे से पर्यटन विभाग को खबर कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये कि उससे इतर वो जो टूरिस्ट जिन जिन जगहों पर गए हैं वहाँ आम लोग जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो वहाँ पर अपना कारोबार डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते, बहुत अवेयर भी नहीं होते अपने हेल्थ को लेकर या इस तरह के वायरस, शायद ही वो टीवी देखते हो और कोरोना की भयावता को जानते हो। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा संकट क्या उनके लिए नहीं है यहाँ पर? ऐसे लोगों को क्या ढूंढ ढूंढ के जो पूरे एरिया में घूमते रहते हैं काम करते रहते हैं उनकी प्रति जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है कि स्क्रीनिंग उन सब की हो? मैडम अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है या कोई कंफर्म केस है तो उसका जो भी उसके कॉन्टेक्ट में है उनकी स्क्रीनिंग तो नेसेसरी हो जाती है, उनको आइसोलेशन। क्या इजी है कि उन सबको ला पाना, उन सबको ढूंढ पाना, उनकी स्क्रीनिंग करवा पाना, वो जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं जो वहाँ पर आते जाते रहते हैं? देखो एक तो वैसे तो काफी मुश्किल काम है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना ही चाहिए। अच्छा राघव जी, जी ये तो इतना पॉसिबल है, सबसे ज्यादा मार तो उन्हीं को पड़ेगी ना। हाँ, इतना पॉसिबल नहीं है, सबसे ज्यादा मार उन परिवारों पे पड़ेगी। हाँ, इतना पॉसिबल नहीं है कि सबको चिन्हित किया जाए, लेकिन अब सरकार को, क्योंकि स्थिति इतनी भयावही नहीं है कि स्थिति कंट्रोल में है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देश और दुनिया तक पहुंचाएं कि यहाँ पे राजस्थान में स्थिति कंट्रोल है, हिंदुस्तान में भी स्थिति कंट्रोल है, तो टूरिस्ट यहाँ पे अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं करे। और अकेले ये टूरिस्ट व्यवसाय को ही नुकसान नहीं हो रहा, आप आज चाइना की तारीफ करनी पड़ेगी कि पूरा विश्व चाइना को देख रहा है और पूरा विश्व चाइना से प्रभावित हो रहा है। चाइना पे कोरोना वायरस का अटैक हुआ और उसी सिलसिले में आज देखिए हिंदुस्तान में कोई भी होटल, बड़ा होटल बन रहा है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो एंड टाइम पे मशीन लेने कहाँ जाएगा चाइना, या होटल का फर्नीचर लेने कहाँ जाएगा चाइना। आज लोग 100-150 करोड़ रुपए लगा के और उनकी प्लानिंग बिल्कुल अटक गई है और बैंक के लोन रॉ मेटेरियल लेने चाइना ही जाएगा। और चाइना पे कोरोना वायरस का अटैक होना ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए पड़े। आज हम राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लीड करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लगभग 100 से ऊपर सहयोगियों के प्रोजेक्ट जो राजस्थान में हैं और राजस्थान से बाहर भी हैं वो सब अटके पड़े हैं। तो आपको चाहे उन्होंने 5-star होटल बनाया है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही राघव साहब, फिर आप इसको बेहतर बताते कि फ्रीज कर दिया जाए टूरिज्म को थोड़े टाइम के लिए, नहीं, या फिर लॉस हो रहा है तो उसको आपका एटलीस्ट काम वाली जो जरूरी चीज है वो होती रहे, क्योंकि उसके जरिए भी तो हो सकता है, नहीं नॉट ओनली फैल सकता है। अपन टूरिज्म की बात नहीं कर रहे, हम किस लॉस को बचाएं? नहीं, लॉस को यहाँ से तो पहले तो जीवन रक्षा करना बहुत जरूरी है, सिर्फ टूरिज्म के लिए, हम ओवरऑल अगर आप कारोबार की बात करें, ओवरऑल तो जीवन रक्षा बहुत जरूरी है, व्यापार उसके बाद की बात है। लेकिन मैं एक चाइना का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चाइना पे कोरोना अटैक हुआ वो एक अलग बात हो गई, लेकिन बहुत भयावह स्थिति है सर, 3,000 से करीब लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो हाँ ठीक है, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, कुछ लोगों के डेडलाइन वो फॉलो करते हैं, वो एक अलग चीज है। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए सवाई माधोपुर से, केदार जुड़ गए। केदार कहिए क्या कहेंगे, केदार क्या आपको आवाज मिल रही है? शायद आवाज नहीं जी। केदार वो कोरोना वायरस जो रोग चल रहा है अपने देश के अंदर, तो उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है देश के अंदर? कैसी समस्या सर? आपकी सेहत की हम बात कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है, यहाँ पर हम चर्चा भी कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, टूरिज्म को लेकर, और आपकी सेहत के लिए अगर आपको जानना है कि ये COVID-19 वायरस क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो आप टीवी पे देख भी रहे होंगे, और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से वो आपको बता सके कि इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं देश के अंदर, वो ये समझना चाहते हैं। जो हम कहते हैं कि एक ले मैन जो बहुत ज्यादा कुछ साइंटिफिक टर्म्स को नहीं जानता है, जो इकोनॉमिकल टर्म्स को नहीं जानता है, वो कैसे समझे इसको? राघव साहब जी, मैं सरकार से ये एक सरकार से अपील बाद में कीजिएगा, सरकार से गुजारिश करूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, आज हम सब कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हॉस्पिटल ही जाते हैं। सरकार को ये आगे से आके पहल करनी चाहिए, सभी ठीक है डॉक्टर साहब, सभी जितने भी लोग हैं वो अपना चेकअप कराएं, जो व्यूअर है उनको संतुष्ट करना जरूरी है, उन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब बताइए। सबसे पहले तो आपको इस कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये तो आप सभी बता ही रहे हो। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखो पैनिक लेने की तो ऐसे नीड नहीं है, इतना ये डेडली वायरस नहीं है। जो पहले जो वायरस आए थे, जो सार्स और जो एमआरएस जो फैमिली के वायरस थे, उसके कंपैरिजन में इतना डेडली वायरस नहीं है। आप देखिए ना, चाइना टोटल वर्ल्ड वाइज लगभग 80,000 से ज़्यादा केस अगर अफेक्टेड हैं तो उसमें मोर्टिलिटी कितनी है,
3000 के आसपास, तो टोटल 2-3% मोर्टिलिटी है ऐसी, तो इसमें इतना पैनिक लेने की नीड नहीं है। मेनली इसमें देखो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो इसका प्रिवेंशन है ना, जो बचाव उपचार है, बचाव के लिए हम सिंपल मेजर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना हमें ज़्यादा। एक तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, हाथ प्रॉपर धोएं, और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, ऐसा कोई पर्सन जो अफेक्टेड है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे नहीं रहे उनसे हाथ मिलाने से बचें, और अफेक्टेड पर्सन है तो उसको मास्क लगा के रखें। अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसको किसी और से शेयर नहीं करें, और उस पहले तो उसको वो अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन करें, और इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ताकि लेकिन एक सवाल फिर मेरे जहन में आया कि जब भी ऐसी कोई दस्तक आती है वर्ल्ड वाइड, अगर कोई समस्या आती है तो बट ऑब्वियस है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी है, हर देश का यहाँ आना जाना कनेक्शन किसी न किसी, चाहे बिजनेस के बहाने हो, कारोबार के सिलसिले में या टूरिज्म के सिलसिले में, तो हमें प्रिकॉशनरी शायद पहले स्टेप लेना चाहिए। उसमें हम हर बार लेट होते हैं क्या, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे यहाँ पर हम इंडस्ट्री वाइज देखें, अगर उनकी जिम्मेदारी जिन लोगों की इंडस्ट्रीज में होती है। बिल्कुल सुषमा, देखिए एम्बेसी भी इसमें चूंकि अटैच होती है, जब विदेश से कोई टूरिस्ट आता है तो वो अपने एम्बेसी को जरूर सूचना करता है, क्योंकि उसको जो भी मदद चाहिए फौरी, अचानक उसके साथ अगर कोई भी इस तरह की इमरजेंसी आती है तो उसको एम्बेसी को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। हर तरह से हर चीज जुड़ी हुई है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की बात करें, फॉरेन एम्बेसीज की बात करें, तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे छोटे छोटे हस्तशिल्प। अच्छा एक 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 समझने वाली बात और भी है, टूरिस्ट जो हमारे पास आता है अगर जयपुर आया तो वो जयपुर में किसी होटल में नहीं रुकेगा, हाँ, वो मॉन्यूमेंट्स में भी जाएगा, हाँ। वो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगा, और ये देखा कि कई कई एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है, वो भी उसमें करता है, चाहे वो हाथी सफारी कर रहा है जाकर इलीगल तरीके से हाथी पोलो खोल रहा है या कुछ भी कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि टूरिस्ट जो हमारे पास आता है वो चाहे इंसान के रूप में हो, चाहे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा हो सांभर के अंदर बॉटलिज्म, जो एवियन बॉटलिज्म है उससे सैकड़ों हजारों की तादाद में पक्षी मर गए। बहुत सारी चीजें जो हमारे पास आती है क्योंकि वो भी एक अट्रैक्शन है, पक्षी है तो सांभर के अंदर टूरिज्म है, नमक है तो पक्षी है, पक्षी है तो टूरिज्म, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो हमारे पास त्रासदी घटती जा रही है, लेकिन हम सबक नहीं ले रहे। मैं फिर हमारे दर्शकों से आग्रह करूंगा, बड़ा अच्छा सुधी पैनल हमारे साथ बैठा हुआ, अच्छी बड़ी बातें कि राघव साहब ने बताया कि चीन से किस तरह से अर्थव्यवस्था अफेक्ट हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, ना कि हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया भर की, क्योंकि जो रॉ सामान है वहीं बनता है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके साथ दिक्कत आ रही है। तो समझने की बात और करने की बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलें। टूरिज्म हमारी आत्मा है, हमारे स्टेट की आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, क्योंकि जबरदस्त जो सब कुछ हम जो कमा रहे हैं, एक एक पैसा, अगर राजधानी की बात करें, गुलाबी नगर की बात करें, या जोधपुर या बड़े ऐसे शहर, वो सब टूरिज्म से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने गेस्ट हाउस खोल रखा है, किसी की हस्तशिल्प की दुकान है, कोई छोटा छोटा पपेट बेचते हैं, आपने देखा हो कठपुतली, हाँ, तक बेचते हैं, तो छोटा छोटा आदमी भी एक हॉकर वेंडर लीगल लीगल किसी भी वे में टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क में आता है आगे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कि अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है, छोटे मोटे एक दो केस, और वो भी विदेशी के अंदर, कोई भी राजस्थानी इससे अफेक्ट नहीं है, अभी भी विदेशी में आते हैं, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, उसकी प्रॉपर आइसोलेशन में उसको रखा जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, और शो मस्ट गो ऑन। और बिल्कुल, और जैसा जैसे सतर्कता यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बैठक भी चल रही है सीएमओ में अभी इस वक्त भी, हाई लेवल मीटिंग लगातार कंटिन्यू हो रही है, और खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, और विपक्ष भी जैसे तारीफ कर रहा है, और विपक्ष का साथ भी तारीफ के काबिल है, तो पैनिक की सिचुएशन नहीं, चीजों को समझने की जरूरत है, वही कोशिश हम कर रहे हैं पैनल के जरिए। हमारे साथ एक व्यूअर और जुड़ गए, बीकानेर से फारूख जुड़ गए। फारूख कहिए क्या कहेंगे। मैं कहता राजस्थान सरकार जो मेरे ख्याल से अवेयरनेस जो प्रोग्राम चला रही है, मेरे ख्याल से इतना शानदार प्रोग्राम है राजस्थान में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, कि अशोक गहलोत सरकार का जो काफी अच्छा प्रयास है, आई थिंक जितना कोरोना वायरस के लिए, हालांकि थोड़ा सा जितनी अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रही है, बट जित मीडिया प्रेस नोट वगैरह जैसे कुछ मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरफ से इतना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, आई थिंक मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा है मुझे जनहित के लिए। चलिए वही बात हम बात कर रहे थे फारूक, कि कैसे सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, और हर लेवल पर केवल एक जगह जिम्मेदारी सीमित नहीं होती है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जितने पैनल के यहाँ पर अलग अलग फील्ड, चाहे वो फिक्की के हों, कारोबार से जुड़े हुए, आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे वो टूरिस्ट गाइड से इंडस्ट्री जो है उनसे जुड़े हुए हों, या डॉक्टर साहब, सबकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि ऐसे मुश्किल के घड़ी में हम खुद जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें, मिलजुल कर इससे लड़ें, फाइट करें। तो यहाँ पर महेश जी आपसे भी एक सवाल फिर है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है वर्ल्ड वाइड, तो पर्यटक भी जानता होता होगा कि वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो ऐसी होती हैं वो वेदर से रिलेटेड होती है, क्लाइमेट से अफेक्टेड होती है, जैसा अभी बात भी हुई थी स्टार्टिंग में। तो क्या वो पूरी एक्सरसाइज करके आती है, जो उनके गाइड्स होते हैं वो उनको बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कभी इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करें, किससे करें, कैसे उससे बचें? देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी निर्मल भाई ने कहा था कि जब वो आते हैं तो 4 महीने पहले ही पूरा एक रूट लाइन बन जाता है, जब वो यहाँ आते हैं तो एक एक चीज को हम लोग उन्हें मॉनिटर करते हैं, ओके, हर
चीज को उन्हें बताया जाता है कि जी आपको यहाँ से अब यहाँ जाना है, ये स्टेप है, ये अच्छा, स्टेप आप एक सवाल यहाँ पे, एक सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, रोक रही हूँ, लेकिन गाइड्स को लेकर भी वेल एजुकेटेड गाइड्स क्या उनकी कमी नहीं है? यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी गाइड बन करके रास्ता दिखाने पहुंच जाता है जबकि वो खुद नहीं जानता होता है, उस चलिए उस धरोहर को छोड़िए, वो ये नहीं जानता होता कि किस कंट्री से कैसे क्लाइमेट कैसे वेदर, वो खुद पढ़ा लिखा या उतना सक्षम शायद नहीं होता है कि ऐसी सिचुएशन पे वो चीज़ों को संभाल सके। आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और मैं आप ही के माध्यम से कहना भी चाहूँगा सरकार को, मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बात कही भी थी कि हमें जो गाइड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बुलाया जाना चाहिए, आमंत्रित किया जाना चाहिए। वासद रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं? नहीं, वो देखिए वो एक अलग मैटर है ना, दैट इज डिफरेंट मैटर। डिफरेंट कैसे है सर? मान लीजिए कोई आया, मैं दूसरी जगह गई, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता इस कंट्री के लॉस के बारे में, उसके बारे में, और बहुत जरूरी भी नहीं कि यार कोई इतनी स्टडी करके, चीप स्टडी, कुछ लोग करके भी आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। अब क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको लग रहा है सस्ते में हो रहा है, कोई अगर $100 की बात कर रहा है, कोई $50 की बात कर रहा है, बिल्कुल तो वो तो उसको प्रेफर कर देगा। बिल्कुल 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 आप जो कह रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना कि ऐसे ऐसे गाइड मिसगाइड ना करे किसी को। बिल्कुल कुछ लोग हैं मिसगाइड करने वाले और वो कर भी रहे हैं, वो लोग आज ये ट्रेड चल गया है कि लोग घर में बिठाते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं, और जो गेस्ट आए वो आके चले भी जाते हैं और सरकार को पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ रुका और कहाँ वो गया और क्या सफारी की, क्या राइड की, नोबडी नोज दैट। मैं वही कहना चाहूंगा, वही आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार को आमंत्रित करना चाहिए ऑफिशियल लोगों को, और फिर उसके बाद में अगर अनऑफिशियल भी है तो वो भी पता है सरकार को, राइट, तो उन्हें भी आमंत्रित कर दीजिए, आप उन्हें ट्रैक बना के दीजिए कि ये रूट लाइन है, आप इसे फॉलो कीजिए। आज मैं बताता हूँ, आज मेरे साथ 10 लोग थे, 10 विदेशी मेहमान थे, सुबह जब मैं उनसे मिला, हाय हेलो हुई, हमारे जो सबसे पहला जो एक डिस्कशन हुआ वो इसी को हुआ कि जी जयपुर में दो पॉजिटिव आए हैं, राइट, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कंडीशन है, मैंने उन्हें कहा कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, राइट, मगर जब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि अदर गेस्ट जो आए हैं वो मास्क लगा के आ रहे हैं और लाइक गाइड्स भी मास्क लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस, हम लोग ये मास्क कहाँ से लें, एंड यू डोंट बिलीव कि जब मैं गया हवा महल से नीचे वाले रस्ते में और मैंने जब मेडिकल्स पे देखा तो वहां पे हमें मास्क नहीं मिला। ठीक है सर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्यटन की बात हो रही तो पर्यटन मंत्री ने आज क्या कुछ कहा था वो भी एक बार सुनवा देते हैं। स्टेक होल्डर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हमने उनको चिट्ठियां भी लिखी हैं, संपर्क में रहे, बड़े होटल वाले हैं, राजस्थान एसोसिएशन होटल्स का जो है, टूर ऑपरेटर्स, होटल रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर एंड फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी ऑफ ट्रैवल ऑफ राजस्थान, इनको हम लगातार इनसे संपर्क में हैं, और अभी ये मैंने आपसे कहना चाहूँगा कि अभी मंत्रालय से ही आ रहा हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और SPs को हमने जो केंद्र का एडवाइजरी आई है और अपनी तरफ से भी सुझाव भेज दिए हैं जिससे पूरा एहतियात बरतें। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ये निर्णय लिया है कि होली धुलैंडी फेस्टिवल जो होता है जयपुर में, उसको हम, क्योंकि देशी विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, उसको हम कैंसिल करेंगे। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एस्टेब्लिश कंट्रोल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल एंड कमिटमेंट ऑफ आउटब्रेक, इसका जो नंबर है हेल्प लाइन नंबर जो टूरिस्ट ले सकते हैं वो है 0141 222 5264। मैं रिपीट करता हूँ, 0141 222 5624। 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाता ये वायरस, और जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है तो ये भी कंट्रोल में जल्दी बहुत आ जाएगा। टूरिज्म विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, और आपको इसमें हमारी मदद करनी होगी कि इस समय का पैनिक ना फैले। तो देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है, हम भी आपके लिए हैं, और भी मेहमान जो हमारे साथ हैं जो अलग अलग सेक्टर को लीड करते हैं वो भी आपके लिए हैं, तो पैनिक होने की जरूरत कतई नहीं है, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता यहाँ पर जरूर बरतिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में शामिल होने के लिए। तो जो हम बात कर रहे हैं कि अलर्ट मोड में सरकार भी है, और इसके पहले देखा था आपने कि जो विदेशों में लोग फंसे हुए थे भारतीय, उनको भी वहां से लाया गया था, दो फ्लाइट्स भेजी गई थी एयर इंडिया की, तो उसको लेकर एक अहम जानकारी आपको दे दें कि दो फ्लाइट्स वुहान भेजने का एयर इंडिया का बिल अगर हम देखें तो फरवरी में
कोरोना पीड़ित भारतीयों को लाने गई थी, जो दो फ्लाइट उनका बिल कुल 5,98,90,352 रुपए का बिल सौंपा गया है। एयर इंडिया ने भारत सरकार को यह बिल सौंपा है। एक पीड़ित को लाने का खर्च आया है इस हिसाब से 92,566 रुपए। कुल 647 लोगों को एयर इंडिया ने वुहान से निकाला था। तो देखिए, अब जो हम कह रहे हैं कि कैसे कमर तोड़ता है, जो कोई वायरस अगर एंटर हो जाता है उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, हम सब आपके साथ हैं और सब जब एक साथ होंगे तो ही इसको हरा पाएंगे। फिलहाल के लिए शो में इतना है।